स्त्री वापस आना। जी हाँ, अगर इस तरीके से स्त्री अपनी वापसी करती है तो मैं चाहूंगी कि स्त्री हर साल वापस आए और हर साल हमें इसी तरीके से एंटरटेन करती जाए। अभी अभी मैं देख कर आई हूँ हम सब की मच अवेटेड फिल्म स्त्री 2, और इस फिल्म को देखने के बाद मैं एक ही बात बोल सकती हूँ कि सीक्वल हो तो इस टाइप की हो, वरना ना ही हो। 2018 में डायरेक्टर अमर कौशिक ने एक ऐसी फिल्म बनाई जिस फिल्म ने दर्शकों के बीच में फिर से एक बार हॉरर कॉमेडी की शैली को जिंदा कर दिया और लोगों के बीच में छा गए। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर स्त्री ने बॉक्स ऑफिस में कमाल का काम कर दिखाया था और लोगों के मन में भी एक कमाल का जगह बना दिया था। और उस फिल्म को देखने के बाद से ही लोग स्त्री 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि स्त्री अपने ऑडियंस के बीच में कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल छोड़कर गए जिनके जवाब लोग जानना चाहते थे। और काफी इंतजार के बाद फाइनली 6 साल बाद डायरेक्टर फिर से इस फिल्म का सीक्वल स्त्री 2 लेकर वापस आ गए हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और पंकज त्रिपाठी जैसे कई सारे दमदार कलाकार हैं। अब बात करें इस बार की फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर स्त्री पार्ट 1 खत्म हुई थी। यानी कि चंदेरी एक बार फिर से खतरे में है, और इस बार खतरे का जेंडर जो है वो बदल चुका है, और इस बार वो सरकटा नाम का एक राक्षस है जिसका सर धड़ से अलग है, और वो सर इस बार महिलाओं को अपना टारगेट बना रहा है। यानी कि इस बार लड़के तो सेफ है, लेकिन लड़कियों के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। वो सरकटा लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और अपनी एक खुफिया जगह पर ले जाते हैं। तो आखिरकार विक्की, जो पिछली बार स्त्री से सारे गांव वालों को बचाकर चंदेरी का हीरो बन चुका था, अब फिर से उसे ही सरकटे के आतंक से भी चंदेरी गांव वासियों को बचाना होगा। लेकिन इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे और इस मिशन में साथ निभाने के लिए वापस आती है हमारी रहस्यमय स्त्री श्रद्धा कपूर। जी हाँ, वो काफी रहस्यमय है। पिछली कहानी में हमें पता चला था कि उसके साथ कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है, लेकिन काफी सारे सवाल हमारे मन में छूट गए थे। अब इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी। फिल्म में एक बिग स्टार का सरप्राइज कैमियो है, जिसे अचानक से स्क्रीन में देखना काफी शानदार एक्सपीरियंस रहा। लेकिन उनके बारे में डायरेक्ट बताकर मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती हूँ, और आप लोगों का एक्सपीरियंस जो है वो खराब नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आई नो आप लोगों का आइडिया होगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। साथ ही तमन्ना भाटिया का जो रोल है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत कीजिएगा, और फिल्म देखेंगे तो आप लोगों को अपने आप समझ में आ ही जाएगा। हालांकि कहना पड़ेगा कि मेकर्स ने अपनी जो हॉरर यूनिवर्स है वो शुरू कर दिया है, और उसकी झलक आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस बार स्त्री अकेली नहीं है, उसके साथ भेड़िया मुंजिया जैसे नाम भी जुड़ चुके हैं। अब हॉलीवुड में जैसे MCU यानी कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का दबदबा है, अब हमारा इंडिया भी पीछे नहीं रहने वाला है। हमारे बॉलीवुड में भी अब SCU यानी कि स्त्री सिनेमेटिक यूनिवर्स का राज चलने वाला है। इसलिए स्त्री 2 को देखने से पहले अगर आप लोगों ने मुंजिया भेड़िया अब तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, वरना आप लोगों को इस मूवी को देखने में उतना ज्यादा मजा नहीं आने वाला है। अब बात करें एक्टिंग की, तो राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पंकज त्रिपाठी की जो तिगड़ी है, ये तिगड़ी वाकई कमाल कर जाता है। खास तौर पर राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी का जो कॉमिक टाइमिंग है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। साथ ही अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बैनर्जी भी काफी अच्छे रोल निभाते हुए नजर आएंगे, उनकी एक्टिंग भी बहुत ही बेहतरीन है। ओवरऑल सभी की एक्टिंग लाजवाब है, लेकिन स्त्री, हमारी जो स्त्री है श्रद्धा कपूर, वो तो सभी पर भारी पड़ जाती है। खास तौर पर एज ए स्त्री तो उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, काफी दमदार है। अब बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर अमर कौशिक ने इस फिल्म को एंटरटेनिंग बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। शुरू से लेकर एंड तक पूरे फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का भरपूर डोज है। साथ ही इसका विजुअल जो है, साउंड इफेक्ट, वो भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को ही इतना ज्यादा एंटरटेनिंग बना दिया है कि आप लोग एंड तक बने रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और एंडिंग भी वाकई देखने लायक है। काफी सारे सवालों का जवाब आप लोगों को इस फिल्म में मिल जाएगी जो स्ट्रीम में अनसुलझे थे, लेकिन हाँ उसी के साथ काफी सारे अनसुलझे सवाल फिर से छोड़कर जाएंगे। अब बात करें म्यूजिक की, तो मुझे लगता है म्यूजिक इस फिल्म के जो मजबूत पक्ष है उसमें से एक है, क्योंकि म्यूजिक बहुत ही बेहतरीन है, बैकग्राउंड साउंड VFX भी कमाल के हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट दूं तो ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसे हम सभी को देखना चाहिए, क्योंकि फिल्म में शुरू से लेकर एंड तक कॉमेडी, ह्यूमर, हॉरर सीन्स और जिस तरीके से म्यूजिक को डाला गया है वो वाकई लाजवाब है और देखने लायक फिल्म है।
इस फिल्म को देखकर आप एक सेकंड के लिए भी बोरियत महसूस नहीं करेंगे। शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को बांध कर रखेगी। फैमिली के साथ भी आप इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस फिल्म को मैं अपने तरफ से 4.5 स्टार देना चाहूंगी आउट ऑफ 5 स्टार्स, क्योंकि मेरे लिए ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म है। छोटी मोटी जो खामियां हैं उसे मैं टोटली इग्नोर कर सकती हूँ, और मैंने इग्नोर कर भी दिया है, कुछ खास नहीं है। तो इसलिए इस फिल्म को एक मस्ट वॉच फिल्म बताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस फिल्म को फुल्ली एंजॉय करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।